ईटी नाउ स्वदेश जो नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि एक नया डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट फोकस का एक टीवी चैनल होगा एंड आई हैव एवरी कॉन्फिडेंस दैट द ट्रेडिशन दैट दिस टेलीविजन ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड उनकी क्रेडिबिलिटी ये और भी बढ़ेगी और हमारी जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं जो देश में विकास का कार्य हो रहा है उस पर जो फोकस होगा और इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो दिखाया जाएगा उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं भेजता हूं। धन्यवाद। इसके बाद आइए सुनते हैं एमओएस फाइनेंस और श्रीमती स्मृति ईरानी ने ईटी स्वदेश को लेकर के क्या अपनी भावनाएं व्यक्त की। मीडिया सरकार की बात तथा सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इस कड़ी में हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल ईटीवी नाउ स्वदेश के लॉन्च की कुंज डालमिया जी की पूरी टीम को बधाई देता और उम्मीद करता हूं कि ये चैनल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। भारत तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है, बदलाव काफी तेज है, दुनिया भर में हमारा विकास बढ़ रहा है। हर भारतीय को भारत की तरक्की से हिस्सेदारी बनाने का वादा ईटीवी नाउ पिछले एक दशक से निभा रहा है। टाइम्स ग्रुप का नया हिंदी बिजनेस चैनल इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। हिंदी में यह नया चैनल लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा और भारत की ग्रोथ के साथ कदम ताल करने का मौका देगा। कोरोना के कठिन दौर से जिस तरह से भारत बाहर निकला है वो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी अंदर से कितनी मजबूत है। सरकार का खर्च बढ़ रहा है, शेयर बाजार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में हमारा भरोसा है कि ये वही समय है जब लोगों को हिंदी भाषा में नए चैनल के माध्यम से देश की तरक्की के हिस्सेदार बनने का मौका दिया जाए। ईटी नाउ स्वदेश का नारा भी है, बदलो बढ़ो देश के साथ। इस नए चैनल के लॉन्च के अवसर पर मैं एक बार पुनः चैनल के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वदेशी अर्थव्यवस्था के समाचार अब आपको मिलेंगे ईटी नाउ स्वदेश पर। ईटी नाउ स्वदेश की सभी टीम मेंबर्स को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन और दर्शक निश्चित रूप से अभिलाषी होंगे कि नव भारत के निर्माण में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में हिंदुस्तान किन बुलंदियों को छू रहा है वो सारे समाचार आपके इस चैनल में प्राप्त। बहुत बहुत बधाई। नितिन गडकरी साहब जिनका मानना है कि देश के साथ भागीदारी करो, खुद बढ़ो और देश को बढ़ाओ। मुझे खुशी है कि ईटी नाउ स्वदेश ये बिजनेस चैनल की शुरुआत होने जा रही है। मैं चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। छोटे उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो और विशेष रूप से देश में रोजगार निर्माण करने के लिए उद्योग जगत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होंगे तब तक गरीबी दूर नहीं होगी और तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसी मिशन में ये चैनल आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी, इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार। शेयर बाजार के बड़े दिग्गजों ने भी ईटी स्वदेश को काफ़ी शुभकामनाएं दी हैं। नीलेश शाह जो कोटक एएमसी से संपर्क रखते हैं, विजय केडिया, आपने आज सुबह सुना होगा कि उन्होंने ईटी नाउ स्वदेश के लिए खास गाना भी तैयार करा है और उसके अलावा ए बाला सुब्रमण्यम जो बिरला एएमसी के सीईओ हैं, इन सब का मानना है कि आने वाले समय में देश एक उन्नति की राह पर है। शेयर बाज़ार हालांकि बढ़ चुका है मगर अगर आप लंबी अवधि के लिए शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स की आपको आपको मिल सकते हैं। आइए सुनते हैं कि नीलेश, विजय जी और बाला इस समय शेयर बाज़ार में क्यों बुलिश हैं। बात करते हैं स्वदेश की, बिकॉज स्वदेश में हमारा नारा है दैट बिलीव इन इंडिया, इंडिया इज राइजिंग एंड यू शुड राइज विथ इंडिया। क्या आप बोलना चाहेंगे इस बात पर। धन्यवाद निकुंज जी।
पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये गाना मैंने गाया तो है ही है, मैंने लिखा भी है, मेरे को इस बात की ज्यादा खुशी है कि लिखा भी मैंने। एनीवे, और स्वदेश के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज है इंडिया के अंदर में लोगों की, इंग्लिश बोलने वालों की, वो है खाली 0.02%, और 45% लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों लैंग्वेज अगर आप जोड़े हैं तो 58% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं और 11% लोग इंडिया में अंग्रेजी बोलते हैं, अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि करीब 15-17 करोड़ की आबादी वाले, मतलब की जनसंख्या है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, और करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी, जो हिंदी बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज बनाए। तो ये तो काम आपको स्वदेश का बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और मेरे ख्याल से यही एक कारण रहा कि इंडिया के अंदर में अभी भी हम टू टीयर थ्री टीयर फोर टीयर सिटीज में, गाँव में, कस्बों में अभी तक शेयर बाजार की भाषा कोई समझता नहीं है और इसको जुए का अड्डा समझता है। उसका कारण यही है कि हम उनकी भाषा में बात नहीं करते हैं। अगर मेरे को ग्रीक समझ में आती है और आप मेरे से अंग्रेजी में बात करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने ये इसकी आज स्थापना की है, और मेरे को लगता है कि ये जो भी आप 4-5 करोड़ जो नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, 5-7 करोड़ जो इन्वेस्टर हुए हैं, और जैसे राकेश ने भी कई बार बोल चुका है कि अभी तो 70-80 करोड़ खुलने बाकी है, तो मेरे ख्याल से एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी आगे संभावनाएं बहुत अच्छी है, और आशा है कि आप उन, आपके माध्यम से, आप जैसे हिंदी के चैनलों के माध्यम से वो सारे के सारे लोग निवेश करने के लिए शेयर बाजार में आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बोल रहे हैं डीमैट अकाउंट तो भाई हम खोल लेंगे। मैं विजय जी से पूछूं, डीमैट अकाउंट में शेयर कौन सा खरीदना चाहिए विजय जी? सर, नीलेश भाई जैसे दिग्गज आपके साथ में खड़े हैं, बाला साहब आपके साथ में हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी का पूछ रहे हैं क्या खरीदना चाहिए, तो ये अच्छी, ये उचित नहीं है। मैं तो खुद इन लोगों को सुन के, देख के अपने आइडिया बनाता हूँ, तो बेटर है कि आप एक्सपर्ट से पूछें, और अब तो आप खुद भी एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने सालों से आप चला रहे हैं और आप तो समुंदर में हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, सबसे आप उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, तो आपके जैसे लोगों से एंकर, विजय जी एंकर और मार्केट कमेंटेटर ही ज्यादा हूं, बेहतर कर सकता हूं, और एक्सपर्ट आप भी, अभी बाला हमारे साथ जुड़े हैं, और आज बाला ने मुझे प्रॉमिस करा है कि वह स्वदेश की भाषा यानी हिंदी में हमारे साथ जवाब सवाल करेंगे। सो बाला, वेलकम टू द शो, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। थैंक यू निकन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपका सब धन्यवाद आपके चैनल में मेरे को बुलाने के लिए। आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ये आज के दिन पे ये आपका नया मूवमेंट चालू हो रहा है, जो भी इंडिया स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट बिफोर द इंडिपेंडेंस है। सो आज को जो चालू हो रहा है, डेफिनेटली समथिंग जो पहले स्पीकर ने बताया था, क्लियरली जो देश में हिंदी बात करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और भारत इज समथिंग it's largely Hindi speaking population very very high. So aaj ke din mein chalu kar rahe hain, that to the market where it has gone to where it is today. Iska jo impact jo aayenge actually, that more and more people are getting to know about capital market investment karne ka. Aur aapka of course you yourself, Nikunj himself has been an icon of a media industry. Aapko hindi mein, hindi bhasha mein sunke wo basis pe kiska jankari badh sakta hai, is something I believe that something is going to have add greater value to the large pool of growing in each of the investors in the country. आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश, और आपको एक बार ये भी बता दें कि आज ईटी नाउ स्वदेश के लॉन्च को बाजार ने भी सलामी दी है। 150 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है, और हमारे साथ इस समय बाज़ार का जो सेटअप है, इस पर बातचीत करने के लिए इससे बेहतर जानकार नहीं हो सकते थे नीलेश शाह, विजय खेड़िया और साथ ही बाला हमारे साथ हैं। लेकिन विजय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम अक्सर आंकड़ों की बात करते रहते हैं, और आंकड़े जो हैं वो कई बार यू नो दे एक्ट लाइक अ ट्रैप ऑल्सो। आपको याद होगा जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब किन आंकड़ों की बात हो रही थी, आज उन्हीं आंकड़ों से आगे बढ़कर हम 60,000 पर है। समीर ने, जैसे आपने सुना, इंडिकेट किया कि सेंसेक्स 1,00,000 भी अगर हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन एक अहम चीज़ जो उन्होंने कही कि मार्केट को थोड़ा समय देना पड़ता है। क्या ये कहना सही होगा कि इस समय भी जो निवेशक हैं, जो शायद बाहर रह गए बाजार के या फिर लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, उनके लिए अब भी सही मौका है? यहाँ से आगे जो ट्रैजेक्टरी है बाजार की, क्वार्टरली अर्निंग्स की, और जो पूरा मैक्रो सेटअप है वो वेलकमिंग है? uh,
मेरे लिमिटेड नॉलेज से मेरे को ऐसे लगता है कि पहले तो ये जो इंडेक्स है ना, ये सही आंकड़े आपको प्रस्तुत नहीं करता है इकोनॉमी के या मार्केट के. ये जीडीपी के जैसे है कि हम बात करते हैं 5% बढ़ेगा या 6% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, उसमें हम खुश हो जाते हैं कि आधा परसेंट बढ़ गया. लेकिन जो इंडिविजुअल जो कंपनियां हैं वो उसी 5 और 6, 1% के ऊपर में 15%, 25%, 40% ग्रो करती है. तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं ये अपना डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं. और अगर समझो जीडीपी 6-7% बढ़ती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब इंडस्ट्री 6% बढ़ रही है. कुछ इंडस्ट्री 20% बढ़ती है, कुछ डिग्रोथ करती है, कुछ 2% बढ़ती है. वो एक हम एवरेज लेते हैं प्रोडक्टिविटी का. तो मेरे को लगता है इंडेक्स भी कुछ इसी तरह है कि वो 50 शेयरों का, अगर निफ्टी में आप बात करें तो 50 शेयरों का इंडेक्स. ऑफकोर्स उनकी मेजोरिटी हो सकता है 80% वो जीडीपी को वो लोग वो करते हो. मैं निवेश करता हूं मिड कैप के अंदर में, स्मॉल कैप या समझिए मिड कैप के अंदर में निवेश करता हूं मैं. मेरे को लगता है कि उसके अंदर में अगर आप इंडेक्स को अगर देखते रहेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाएंगे. आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये इंडेक्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है तो अभी रिएक्शन आना चाहिए. जैसे मेरे को तो कई महीनों से, अगर सच पूछे ऑनेस्टली तो मेरे को कई महीनों से लगता है कि मार्केट बड़ा ओवररेटेड है, वो इसमें रिएक्शन आना चाहिए. वो इंडेक्स को देखकर ऐसे ऐसे लगता है, लेकिन मैंने कोई इंडिविजुअल शेयर मैंने बेचे नहीं है. तो वो जैसे वो एक फिल्म में बोलते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है. तो वही है, वो मार्केट जो गिरता नहीं है, रिएक्शन नहीं आता, हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. तो हमको क्या कि 4 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे वापस आओ, हम लोग उसमें खुश हैं. ये 4 के बाद फिर 4 और फिर 4, इसमें थोड़ी घबराहट होती है. लेकिन क्या है कि इसी के अंदर में भी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिड कैप में या मिड कैप छोड़िए कई भी शेयरों में आपको मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है. कुछ शेयर्स आज के दिन इंडेक्स इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ सेक्टर्स का शायद ग्रोथ अभी चालू अभी शुरू हुआ है. अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे नए नए डेवलपमेंट इस तरह से हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी अभी तो इसकी तेजी शुरू हुई है. तो वो आपको हीरा आपको चुनना है उस खान के अंदर में से, यही यहां पर निपुणता चाहिए मार्केट के अंदर. तो लॉन्च के दिन ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख रहे हैं दिग्गजों का जमावड़ा, जो अभी तक आपको बता रहे थे कि बाजार की दशा और दिशा किस ओर मुड़ने वाली है. लेकिन हम आगे बढ़े तो टाटा स्टील ये वो नाम है जिसने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है, जो ग्लोबल लेवल पर भारत की स्टील सेक्टर में एक पहचान है. टाटा स्टील की भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने बात की कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन से. मुझे बहुत गर्व और फख्र के साथ अब हम एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे स्वदेश चैनल के फर्स्ट कॉर्पोरेट गेस्ट हैं. इस कंपनी ने भारत की नेशन बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, टाटा स्टील. टाटा स्टील ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रेनेसां एक समय में शुरू किया था. टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन स्टील सेक्टर को एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचा दिया है. और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि इस समय स्टील सेक्टर के अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन हैं. तो स्टील सेक्टर के अच्छे दिन जो हैं, क्या वह बरकरार रहेंगे, टाटा स्टील से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, और इस समय चाइना में जो हलचल हो रही है उसका प्रभाव कमोडिटी प्राइसेस में क्या पड़ सकता है, तो इन सब पे चर्चा करने के लिए अलाउ मी टू वेलकम मिस्टर टीवी नरेंद्रन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील. नरेंद्र जी, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप हमारे ईटी नाउ स्वदेश के पहले कॉर्पोरेट गेस्ट हैं, सो द एक्साइटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज वेरी हाई. थैंक यू निकुंज, थैंक्स. नरेंद्र जी, सब हमारे जो दर्शक हैं और आपके शेयर होल्डर हैं, वह इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि चाइना में जो हो रहा है पावर कट, कंजम्पशन स्लोडाउन, इसका सीधा प्रभाव स्टील जैसी कमोडिटी पर कैसे पड़ेगा? तो निकुंज, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चाइना में, बिकॉज मल्टीपल इंपैक्ट है. एक है कि उधर का इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा स्लोडाउन होने का संभावना है, तो दैट इज वन थिंग वी आर वॉचिंग. ये जो एवरग्रैंड जो इश्यू है उसके ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन बाय हाउ इट विल इंपैक्ट द प्रॉपर्टी मार्केट्स.
पर दूसरा बात यह है कि इफ चाइना कट्स प्रोडक्शन देन चाइना विल एक्सपोर्ट लेस, सो दैट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू द स्टील प्राइसेस ग्लोबली. सो इट हैज अ, इट इज नॉट अ वेरी सिंगल डायमेंशनल इम्पैक्ट. हम लोग को देखना है कि डोमेस्टिक एक्टिविटी में क्या स्लो डाउन हो रहा है या नहीं. बिकॉज वन थिंग इफ यू सी कोकिंग कोल प्राइसेस आर मोर देन $400, यू नो, तो उसका मतलब है कि कोकिंग कोल का डिमांड है, और कोकिंग कोल का प्राइस $400 है तो स्टील का दाम उतना नहीं गिर सकता है. आई नो प्राइसेस ड्रॉप बट कोकिंग कोल प्राइसेस आर हाई. सो ओवरऑल वी आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग. पर ये बात क्लियर है कि चाइना विल नो लॉन्गर बी एन एग्रेसिव एक्सपोर्टर ऑफ स्टील फॉर सम टाइम टू कम, और आई थिंक मे बी नेवर. नरेंद्र जी, हमने पिछले 10-12 साल में देखा है कि जो चाइना करता है वह कमोडिटी प्राइस का रुख डिसाइड करता है. बिकॉज इस समय चाइना में डिमांड और सप्लाई दोनों कर्टेल हो रही है, और शायद पहली बार है कि डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रही है. बिकॉज पावर प्रोडक्शन कम रहेगा तो डिमांड भी कम होगी और सप्लाई भी कम होगी. तो अगर स्लो डाउन आता है, सो व्हाट आर द चांसेस दैट इफ चाइना स्लोज डाउन इट विल इम्पैक्ट द स्टील ग्लोबल डिमांड ऑल्सो? आप देखिए तो ग्लोबल डिमांड में एक्चुअली ओवर द लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द डिमांड इज कमिंग मोर फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड कंट्रीज लाइक इंडिया एक्सेट्रा. You know, China's share of global steel demand is actually dropping for the last few years, and it has dropped a few percentage points. So China is an important part of global demand, but I think other regions of the world are also making up for the growth in steel consumption. So I think China has a lesser impact than it did before. Aur dusra baat ye hai ki because China is exporting less, its potential to disrupt global steel trade flows is less. So I think we are seeing a new balance, and China, as is happening in other countries, increasingly ye pandemic ke baad hum log dekh rahe issues are becoming more and more local. US mein jo ho raha hai is impacting the US demand, Europe mein jo ho raha hai is impacting the European demand, China mein jo ho raha hai is impacting the Chinese demand, and most of these regions are not impacting global trade flows too much. So unlike earlier when jab China mein slowdown hote the, they used to export a lot more. So I think we are seeing a better balance, and steel sentiments are being driven more by regional matters than by global matters. Ek logon ki ye bhi dharna hai, the view in the world is that America will be the swing consumer. Build America jo Biden sahab ka naya program hai, kyunki America ek net इम्पोर्टर है स्टील का. अब लोगों का मानना है कि जो डिमांड का बीम बैलेंस है अमेरिका की तरफ काफ़ी शिफ्ट होने वाला है. आपका क्या मानना है उस बात को लेकर के? वो सही है, क्योंकि अमेरिका में अभी जो इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑलमोस्ट $2-3 trillion का प्लान है. तो दैट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इंडिया में हो या अमेरिका में हो या चाइना में हो इज ऑलवेज स्टील इंटेंसिव, सो विच इज ऑलवेज गुड फॉर स्टील डिमांड. सो इसी वजह से चाइना में आप देखिए तो अभी भी लोकल प्राइस हॉट रोल कॉइल का प्राइस है, जो प्राइस है मोर देन $1900, ऑलमोस्ट $2000, और अभी भी स्ट्रांग है. और चाइना का यूएसए का दूसरा इम्पैक्ट यह है कि यूएस इज ऑल्सो बिग एक्सपोर्टर ऑफ स्टील स्क्रैप, इट इज इनफैक्ट द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील स्क्रैप इन द वर्ल्ड. तो इफ द यूएस मार्केट इज हाई देन द स्टील स्क्रैप प्राइसेज विल ऑल्सो स्टे रीजनेबली हाई, क्योंकि वो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट तो होगा एट अ बेटर प्राइस. So US will have a big impact. See, one thing we should keep in mind, you know, US growing at 3% is a $23 trillion economy. And China, even if we say instead of 5.5%, it will grow at 5% or 4.8%. That is very big for a 12, 13 trillion, dollar economy. In fact, if China grows at 4%, it is like India growing at 16%. So we have to keep that percentage in mind, looking at the base. On what base are we using this percentage? Similarly, if the US grows at 2% or 3%, that is the same as India growing at some 20%. You know, so these numbers mean a lot when you look at these economies. The growth has a big impact on the overall commodity demand. And I feel that as long as the US is doing well, and China, even if it grows at 4.5%, and Europe is also starting to do better, and India will certainly do well in the second half of the year and thereafter, I think we are seeing a slightly different future than we saw for the last 10 years. Agar hum raw material ki baat kare to is samay iron ore ke prices niche ja chuke hain aur coking coal ke upar ja rahe hain. You have captive mines, to iron ore ke jab price niche jati hain upar jati hain, aapko jab upar jati hai aapko advantage milta hai.
बट सिंस यू डो नॉट हैव एक्सेस टू कुकिंग कोल, उसकी वजह से क्या आपके मार्जिन्स पे प्रभाव पड़ेगा? सो हम लोग का कोकिंग कोल जो हम हमारा अपना कोकिंग कोल है, दैट इज अबाउट 25% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, बाकी 75% वी इंपोर्ट. तो व्हेन द कोकिंग कोल प्राइसेस गो अप, यस उसका असर पड़ता है टाटा स्टील पे एंड ऑन द कॉस्ट. एंड नॉर्मली सिंस द सप्लाई चेन वी हैव मटेरियल इन ट्रांजिट एंड इन आर स्टोरेज सेंटर्स, सो टिपिकली उसका असर पड़ता है 3-4 महीने के बाद, बिकॉज इफ यू बाय कोकिंग कोल टुडे बाय द टाइम इट हिट्स यू ऑन कॉस्ट इट इज 3-4 मंथ्स अवे. सो यस देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ दैट, एंड बिकॉज कोकिंग कोल प्राइसेस आर हाई दे विल बी कॉस्ट प्रेशर्स ऑन स्टील कंपनीज टू कीप द स्टील प्राइसेस एट अ हायर लेवल, क्योंकि कोकिंग कोल का कॉस्ट इज अबाउट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टील मेक. आयडोर का जो बात आप बोल रहे हैं ये सही है कि टाटा स्टील को एडवांटेज है बिकॉज वी हैव आवर ओन कैप्टिव माइंस, बट वेन वी when the iron ore price drops, Tata Steel has get some benefit because we pay royalty based on the market price of iron ore. So the royalty that we need to pay reduces when the iron ore price drops. So there is a advantage we get when iron ore price drops. There is an advantage we have when iron ore price goes up compared to our peers. But when it drops also we get an advantage because the royalty we need to pay is less because that's fixed on the iron ore market price basis. Last couple of quarters, sir, the pricing power has been with the steel producers. Just for the benefit of our viewers, steel ke prices jo hain wah bade hain aur steel companies decide kar rahi hain based on demand. Do you think the pricing power will still stay with producers? Ye to ye industry mein it keeps shifting. I think it depends on two aspects. One is global issues. ग्लोबल इश्यूज का मतलब यह है कि चाइना में क्या हो रहा है जो हम अभी बात कर रहे थे. दूसरा बात यह है कि आयरन ओर और कोल का क्या प्राइस है, बिकॉज दैट इज नॉट डिटरमिंड बाय इंडिया, दैट इज डिटरमिंड बाय ग्लोबल इश्यूज. तो अभी जो आप अभी हम लोग बात किए थे, कोकिंग कोल प्राइस एट $400 इज मोर देन द स्टील प्राइस ऑफ 3 years बैक, राइट? सो दैट एंड दैट इज जस्ट द इनपुट बिफोर यू इवन मेक स्टील. तो उसका असर जरूर पड़ेगा. And so there will be cost pressures on steel companies, and that's why steel prices will stay on the higher side. Dusra baat ye hai ki Western world mein dekhiye, Europe mein dekhiye, to carbon costs are increasing, and companies have to transition to a greener future. To uska matlab ye hai ki capital expenditure bhi badhega thoda, aur operating expenditure bhi badhega. To isiliye in the Western world also there is a pressure to keep the steel prices high. So ye hai global issues which impact the steel prices. The second part is local issues. Abhi aap dekhiye to India mein because of the pandemic things had slowed, but recovery to aa raha hai. Normally after the monsoon period is when the recovery picks up fast during the festival season. So we are optimistic about the second half of the year. And dusra baat ye hai ki India ka the focus on infrastructure is so high. We are expecting steel consumption in India to grow at least at GDP growth rates or higher going forward. बिकॉज पिछले 10-15 साल में देखिए तो स्टील कंजम्पशन ग्रोथ इज लोअर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, बट एज इंडिया बिकम्स मोर फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ द स्टील इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ विल इंक्रीज एंड द स्टील कंजम्पशन विल ग्रो एट लीस्ट एट द रेट ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट. तो इफ दीज थिंग्स हैपन आई थिंक देयर विल बी अ बेटर बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द सप्लायर. मे बी लास्ट 3-4 years इट वॉज मोर ऑफ अ बायर्स मार्केट, बट देयर विल बी अ बेटर बैलेंस गोइंग फॉरवर्ड. जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं जिसको हम शेयर बाजार में बोलते हैं ESG, उसको लेकर के काफ़ी जगह चेंजेस हो रहे हैं एंड वन बिग चेंजेस यूरोप, चाइना और इंडिया में. तो आपको नहीं लगता ESG को लेकर के इस समय नई कैपेसिटी आना बहुत मुश्किल रहेगा एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स विल हैव एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ दिस? तो नया कैपेसिटी के लिए अभी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन व्हाट इज अ प्रोसेस रूट we should follow. Europe mein dekhe to more and more people are shifting from blast furnace route to gas based DRI and later hydrogen based DRI, you know, so that is a process route which is seen as greener than the blast furnace route because you don't use coal in that process route. India mein abhi ke liye all the announcements that have been made by the established players is using the blast furnace process route, but maybe 5 to 10 years from now new facilities which will come up, if gas is available in India, will be more and more gas based DRI route, and if hydrogen is available then it will be more hydrogen based, but that is 5 to 10 years away.
बट एग्जिस्टिंग के लिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट. जो आप बोल रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट आने के लिए पीपल कैन कम इन, लाइक इन यूरोप यू विल सी सम न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू द स्टील इंडस्ट्री हु आर वांटिंग टू मेक ग्रीन स्टील. बट ऑब्वियसली यू नो स्टील इज अ वेरी टेक्निकल इंडस्ट्री, इट्स अ टफ इंडस्ट्री. एनीबडी हु कम्स इन हैज टू रियली बी prepared to ride the down cycle and the up cycles, and इसीलिए many people enter the industry but few people last long. So that is always there, that challenge is there. But ESG is a very important part of the steel industry. I mean the way we think about the future. आगे बढ़ते हैं. ईटी नाउ स्वदेश के लॉन्च के मौके पर एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन अब लौट आए हैं. सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा. आज हिंदी चैनल बिजनेस चैनल के लिए बहुत जरूरी है ऑल ओवर द कंट्री, खास करके द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने की बहुत जरूरत है. और जो ईटी नाउ ने जो रेपुटेशन बनाया है इतने साल तक, और ईटी ग्रुप ने जो रेपुटेशन बनाया है सालों फॉर इयर्स एंड इयर्स, आई थिंक दैट रेपुटेशन विल गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द चैनल. तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि जो लोग जो रन कर रहे हैं चैनल, निकुंज है, प्रदीप है, वो लोग को चैनल को बहुत ही सक्सेसफुल चैनल बनाएंगे. सो माई बेस्ट विशेज फॉर द चैनल एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन. नहीं, मुझे इस मेरे हिसाब से तो इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल. हम जो देख रहे हैं कि जो सेकेंड वेव था उसमें बड़े हेल्थ के लिए काफ़ी इश्यूज थे, बट एज फार एज द इकोनॉमी वॉज कंसर्न, इकोनॉमी प्रोग्रेस वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बिजनेस था, हमारी ऑफिसेज खुली थी राइट थ्रू द सेकेंड वेव, और जो हम बिजनेस में जो मोमेंटम देख रहे हैं दैट मोमेंटम वी हैव नॉट सीन इन इयर्स एंड इयर्स. तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल. यस, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स व्हिच विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू यू नो कम बैक टू नॉर्मलसी, बट जनरली स्पीकिंग फॉर द इकोनॉमी एज अ होल आई थिंक द इकोनॉमी इज डूइंग फैंटास्टिकली. चलिए कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं. कमोडिटी मार्केट के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने एमसीएक्स के एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी और एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते से खास बातचीत की है. आइए आपको सुनाते हैं. एग्री सेक्टर, उस पर पूरे देश का फोकस है, लेकिन जिस ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे कि एग्री एक्सचेंज की तरफ से आएगी वो अब तक नहीं दिखाता. हालांकि आपके आने के बाद कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आए हैं, लेकिन पहले काफ़ी हम जिस लक्ष्य के साथ शुरू हुए थे पता नहीं वो डिरेल होता दिखा या ग्रोथ की जो रफ्तार थी वो सुस्त होती दिखी. तो अरुण रास्ते साहब, क्या हुआ आखिरकार कि ये ग्रोथ इतनी सुस्त पड़ी बीच में, और जब इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है पूरे एग्री सेक्टर में तो क्या वजह है कि हम धीमे पड़ गए हैं? देखिए, ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर से या एक संस्था से नहीं आएगी, उसके लिए इन टैंडम जरूरी है. तो अब सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है कि एफपीओस को बढ़ावा दिया जा रहा है कि 10,000 एफपीओस को अगर हम साथ में लाते हैं, 10,000 एफपीओस का मतलब यह है कि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि हम करीब 350 एफपीओस से एक्सचेंज जुड़ चुका है, और इन 350 एक्सचेंज के माध्यम से हम 1,000,000 फार्मर के आसपास जनरली जुड़ चुके हैं. जो 350 का नंबर जब 10,000 पे पहुंचेगा तो इमेजिन कीजिए कितने सारे किसान सप्लाई साइड से हमसे जुड़ेंगे. जब मतलब लाखों की तादाद में जब किसान एक्सचेंज से जब जुड़ेंगे और वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होगा, रिस्क अगर अपनी मैनेज कर पाएंगे और उनको अपना प्राइस मिल सकेगा, तो आगे भी कमोडिटी में जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप ही एसोसिएट हो जाएंगे. एमसीएक्स एमडी हमारे साथ पीएस रेड्डी साहब है. सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर. सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए अहम दिन वक्त निकाला इसके लिए. सर, 18 साल के आसपास आपका भी वक्त हो चुका है एमसीएक्स के शुरू हुए. मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि किस तरह की ग्रोथ आई है, लेकिन आपकी सलाह चाह रहा था कि किस तरह की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे और कितना कामयाबी हमें अभी मिली है, और क्या चैलेंजेज आ रहा है कि कमोडिटी मार्केट का दायरा इक्विटी के मुकाबले काफी कम क्यों है हिंदुस्तान में? यस, वी हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 18 इयर्स, बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट अनलाइक इक्विटीज व्हिच हैज एन हिस्ट्री ऑफ मोर देन 100 इयर्स. वी डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग in this country in the commodities, and I think with NCDEX and MCX the organized trading platforms have started, and over the years we have seen good progress, and we are still to have good number of spot exchanges, organized spot exchanges in this country,
and that is something that we are looking forward to. And the recent reforms that SEBI has announced, especially in the form of launching a gold spot exchange, is a move in that direction. I think if we build strong commodity spot exchanges on that, the superstructure called the futures and the derivatives markets are built, I'm sure we will be able to do well. चलिए इसी के साथ अब स्वदेश आर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद देखेंगे बिजनेस और राजनीतिक जगत से जुड़ी बड़ी खबरें. बने रहे हमारे साथ. बैंकिंग पार्टनर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक. विश मोर गेट मोर. ईटी नाउ के रूप में आप इंग्लिश में चैनल चला ही रहे थे बिजनेस के क्षेत्र में, अभी हिंदी में आप चलाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से प्रभावी होगा, ऐसी मेरी आशा है. बहुत सारी शुभकामनाएं. स्वदेश को बहुत सारी शुभकामनाएं. आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग में निश्चित ही ये सारे मीडिया चैनल्स अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे. मुझे खुशी है कि ईटी नाउ स्वदेश ये बिजनेस चैनल की शुरुआत होने जा रही है. मैं चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ. छोटे उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, और विशेष रूप से देश में रोजगार निर्माण करने के लिए उद्योग जगत को और मजबूत करने की आवश्यकता है. और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होंगे तब तक गरीबी दूर नहीं होगी और तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा. इसी मिशन में ये चैनल आगे बहुत अच्छा कार्य करेगी. इस विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं. नमस्कार.